तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि क्यों Realme 3 Pro बेटर है Redmi Note 7 Pro से। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो नेशनल क्वेश्चन अभी हो गया है कि कौन सा फ़ोन मैं लूँ अगर मुझे लेना है इस कुछ दिनों के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि ऐसे पांच रीजंस क्यों Realme 3 Pro बेटर है Redmi Note 7 Pro से। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो को किक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कह रहा था, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ठोक देना और दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेस है अभी स्टार्ट हो चुका है Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro, इन दोनों फोन्स के बीच टक्कर जो है चल गई है और सभी कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा फोन मुझे लेना है, Realme 3 Pro लेना है या फिर Redmi Note 7 Pro लेना है। तो इन दोनों फोन को अगर कंपेयर करते हैं तो पहला कंपेरिजन फैक्टर जो है वो है प्रोसेसर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो Redmi Note 7 Pro जैसे कि आप लोग को पता है 675 की चिपसेट के साथ आता है, स्नैपड्रैगन के 675, और साथ ही साथ वहाँ पे आप लोग को 6GB की रैम देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर ये कंपेयर किया जाए Realme की स्नैपड्रैगन की 710 चिपसेट के साथ, तो ये चिपसेट जो है बहुत ही तगड़ा है अगर मैं कंपेयर करता हूँ 675 से। यहाँ पे बहुत सारी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस एनहेंस मिलेगी, आपको फास्टर प्रोसेसर मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेसर है अगर मैं प्रोसेसर परस्पेक्टिव के स्पीड की परस्पेक्टिव में बात करूँ तो Realme 3 Pro जो है वो टॉप में आता है और उसके बाद आता है Redmi Note 7 Pro। अगर परफॉर्मेंस फैक्टर को देखते हुए विनर को डिक्लेयर किया जाए तो यहाँ पे Realme 3 Pro जो है क्लियर विनर है अगर आप कंपेयर करते हैं Redmi Note 7 Pro के साथ। तो दोस्तों अगला जो फैक्टर है वो है गेमिंग। तो दोस्तों गेमिंग आजकल तो सभी लोग जो है PUBG के पीछे पागल है, सभी चाहते हैं कि PUBG स्मूथली चले। तो अभी जो रिसेंट लॉन्च हुआ है कुछ इमेजेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि उन लोगों ने खुद कंपेयर किया था बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स के साथ। तो वहाँ पर आप लोग को Redmi Note 7 Pro को कंपेयर किया गया था अगर बेंचमार्क स्कोर के अंदर। तो PUBG खेलते वक्त यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में कि वहाँ पे Redmi Note 7 में बहुत सारी ऐसी अप्स एंड डाउन्स जो वेव्स दिखाई दे रही है वो थ्रॉटलिंग है, तो ये थ्रॉटलिंग इश्यूज आती थी। लेकिन जो Realme 3 Pro है वहाँ पे अपना कांस्टेंट जो फ्रेम रेट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की बात अगर आती है तो यहाँ पर Realme 3 Pro में एक नया फीचर लाया गया है जिसका नाम है हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लैगलेस गेमिंग देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग को दिया जाएगा इसके अंदर और बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी की ग्राफिक्स आप लोग को देखने को मिलेगी और बिल्कुल ही स्मूथ चलने वाला है जैसा कि क्लेम कर रहे हैं Realme 3 Pro। वहाँ पर Redmi Note 7 Pro भी ऐसा क्लेम कर रहा है कि Fortnite वगैरह जो है अपकमिंग अपडेट्स में ठीक कर दिया जाएगा और थ्रॉटलिंग इश्यूज जो है वो भी फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स की अगर बात करते हैं तो Realme 3 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है। अगर तो गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो चलाकर देखने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro बेटर है या फिर Realme 3 Pro। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लाइव इवेंट की बात हुई है तो वहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो Realme 3 Pro जो है क्लियर विनर है Redmi Note 7 Pro से। तो दोस्तों अगला फैक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा फैक्टर है और बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव चीज़ें यहाँ पर लाई गई है जो कि कैमरा डिपार्टमेंट। दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो Redmi Note 7 Pro में आप लोगों को मिलता था 48 मेगापिक्सल की कैमरा, तो दोस्तों Realme 3 Pro में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल की इमेजेस जो है देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो इमेजेस है पिक्सल वेंडिंग है कुछ भी है लेकिन जो पिक्चर क्वालिटी है ना बहुत ढांसू है। तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro की 48 मेगापिक्सल जो इमेजेस है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी क्लैरिटी और इसकी जो इमेज की पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही तगड़ी है। तो ये जो है फीचर यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD फीचर एक मिलता है जो कि Note 7 Pro में वो नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल की कैमरा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे जो IMX की 519 सेंसर है जो कि प्रीमियम सेंसर है वो आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ यहाँ पे वही नहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में आप लोग को 25 मेगापिक्सल की AI कैमरा मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही ढांसू फीचर दिया है जो पहले Xiaomi ने Poco F1 में लॉन्च किया था 960 FPS वाली जो
स्लोमो वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिली थी, और सैमसंग के कुछ फ़ोन्स थे उसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये जो फ़ोन है इसके अंदर भी आप लोगों को जो 960 FPS की स्लोमो वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि बजट कैटेगरी में ही आप लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो मिल जाती है वीडियोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी के लिए। आप लेना चाहते हैं ये फ़ोन तो आप ज़रूर से ज़रूर ये फ़ोन मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोग को, आप लोग जाइए और ले लीजिए। यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए Redmi Note 7 Pro के साथ, तो Redmi Note 7 Pro में आप लोगों को 960 FPS नहीं मिलता है, अल्ट्रा HD मोड भी नहीं मिलता है, और 64 मेगापिक्सल की जो इमेज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी यहाँ पे नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्लियर जो विनर है कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर वो है Realme 3 Pro। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें आप लोगों को बता दी, पहला था प्रोसेसर, वहाँ पे भी Realme 3 Pro जीत जाता है क्योंकि वहाँ पे Snapdragon 710 की प्रोसेसर यूज़ की गई है जो कि फास्ट है अगर कंपेयर करते हैं 675 के प्रोसेसर के साथ। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग डिपार्टमेंट में भी वो टॉप कर गया है क्योंकि वहाँ पे हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी जो है नई फीचर एक ऐड कर दी गई है फ़ोन के अंदर, जिसके कारण जो है आपको लैगलेस गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद नंबर 3 फैक्टर मैंने बताया कैमरा की, तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी वो टॉप कर जाता है क्योंकि वहाँ पे आप लोग को अल्ट्रा HD मोड मिलता है, स्लोमो फीचर आप लोग को देखने को मिलता है 960 FPS की, साथ ही साथ आपको AI की सेल्फी देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पिक्सल वेंडिंग वगैरह यूज़ करके आपको 64 मेगापिक्सल की इमेज प्रोड्यूस करके देती है। तो दोस्तों अब तक जो मैंने कहा आप लोग को अगर पसंद आता है तो लाइक ठोक दीजिएगा, और दो पॉइंट्स है वीडियो को अभी छोड़ के मत जाना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 4 फैक्टर जो है वो है चार्जिंग। तो दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग जो है Realme 3 Pro में जो है आप लोग को देखने को मिलती है वूक चार्जिंग के सपोर्ट, जो कि 3.0 वूक चार्जिंग के सपोर्ट आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पे आप लोग को 20 वाट की जो वूक चार्जर है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है, बॉक्स के अंदर ही आप लोग को देखने को मिलती है, वो चीज़ Redmi Note 7 Pro के अंदर देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट है अगर हम लोग बात करते हैं वूक चार्जिंग सपोर्ट के बारे में। दोस्तों चार्जिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी Realme 3 Pro जो है वो विनर है। तो बैटरी कैपेसिटी की बात अगर करते हैं दोनों में सिमिलर बैटरी कैपेसिटी है दोस्तों, Redmi Note 7 Pro में बात करते हैं तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी आप लोग देखने को मिलती है, यहाँ पे आप लोग को 4050 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो चार्जिंग की जो सपोर्ट थी वो बहुत ही तगड़ी एक गेम खेल गया है Realme। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रो USB केबल यूज़ किया गया है Realme 3 Pro के अंदर, और यहाँ पे आप लोग को टाइप सी देखने को नहीं मिलेगा, ये आप लोग याद रखिए। लेकिन जो चार्जर है ये बहुत ही अच्छी पावरफुल केबल के साथ आया है और बहुत ही जल्दी जो है ये फ़ोन चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्जिंग के फैक्टर में भी Realme 3 कंप्लीट विनर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग को Realme 3 Pro के अंदर आप लोग को 3 वेरिएंट देखने को मिलती है दोस्तों, एक है नाइट्रो ब्लू, दूसरा है लाइटनिंग पर्पल, और तीसरा जो वेरिएंट है वो है कार्बन ग्रे। तो दोस्तों ये 3 वेरिएंट में ये फ़ोन आता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो ग्लॉसी बैक फिनिश आप लोग को देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ Redmi Note 7 Pro में, वहाँ पर आप लोग को 2 वेरिएंट देखने को मिलती है, एक है नेब्यूला रेड और एक नेपच्यून ब्लू। तो ये 2 वेरिएंट में आता है, वो ग्लास फिनिश के साथ आता है दोस्तों, बैक साइड बहुत ही ग्लॉसी लुक दिखता है और प्रीमियम लुक दिखाई देता है, लेकिन Realme 3 Pro में वैसे पॉलीकार्बोनेट फिनिश आप लोग को बैक साइड में दिखाई देगी। वो 3 वेरिएंट जो मैंने कहा आप लोग को, ब्लू, पर्पल और ग्रे, ये 3 वेरिएंट में ये फ़ोन आएगा, तो ये जो प्रीमियम लुक बिल्कुल ही नहीं देता है फ़ोन के अंदर, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कौन मुझे लगा, लेकिन प्रोसेसर, कैमरा, गेमिंग परफॉर्मेंस और चार्जिंग सपोर्ट को देखते हुए ये फ़ोन जो है बहुत ही ऊपर आता है अगर मैं कंपेयर करता हूँ Redmi Note 7 Pro के साथ। अभी आते हैं प्राइस की तरफ, तो दोस्तों प्राइस जो है एकदम सिमिलर है, लेकिन प्राइस सिमिलर होने के साथ साथ यहाँ पे फीचर्स बहुत ही हाई है Realme 3 Pro के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस की बात करें तो पहले वेरिएंट की बात आती है, तो यहाँ पे 4GB 64GB की वेरिएंट और 6GB 128GB की वेरिएंट। तो दोस्तों ये 2 वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च हो गया है, दोनों फ़ोन ये 2 वेरिएंट में आते हैं। तो पहला प्राइस जो है 13,999 जो कि 4GB और 64GB वेरिएंट है, और उसके बाद जो है 6GB और 128GB की वेरिएंट जो है वो 16,999 जो कि आप कह सकते हैं 17,000। तो दोस्तों ये 2 फ़ोन बहुत ही ज़्यादा टक्कर देने वाला फ़ोन है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं अभी, जिन्होंने ले लिया अभी जो लेना चाहते हैं वो Realme 3 Pro लें, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इनके पास, और ये बहुत चाहेंगे OTA अपडेट वगैरह पुश करना, और ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है दोस्तों, एक साल हो चुका है इसकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा
रिनाउंड ब्रांड लग रहा है अभी फ़िलहाल जो टेक्नोलॉजी के साथ ये जुड़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आप लोग को सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आप लोग को ये परफॉर्मेंस और कैमरा इसमें जो एकदम जो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है रियलमी। दोस्तों रियलमी 3 प्रो जो है 29 अप्रैल को आप लोग को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के अंदर और रियलमी की खुद के स्टोर के अंदर, तो आप लोग जाइए। अगर आप लोग को लेना है, ये सेल 12 PM को होने वाला है और 12 PM को आप लोग को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं और इस फ़ोन को ले सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोग को। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर प्रेस करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो बनाने में मेहनत लगता है दोस्तों, तो आशा करूँगा ये छोटा सा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो टिल देन हैव ए ग्रेट डे, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।